हे गाइस, वेलकम टू बायो एडुकेटर बुक। आज की इस वीडियो में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की डेफिनेशन क्या है और सेल कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक व्हाइल ऑब्जर्विंग थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर क्रूड माइक्रोस्कोप। Hook saw walls of cork cell which appeared in the form of small boxes or compartments. These compartments were described as cells. तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। और कहाँ पे देखा था उन्होंने? उन्होंने कॉर्क के स्लाइसेस में। कॉर्क किसे कहते हैं? ट्री की जो ब्रांच होती है उसको कट करके उन्होंने उनके थिन स्लाइसेस लिए और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उन्हें कुछ क्या नाम है स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को देख के उनके दिमाग में ये आया कि ये स्ट्रक्चर तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो उनके दिमाग में आया जिस टाइप से हनी बी का जो कॉम होता है, कॉम मधुमक्खी का छत्ता, उसमें जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही इसमें दिखने को मिल रहा है। तो इन जो छोटे छोटे बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने कंपार्टमेंट नाम दिया या उन्हें स्मॉल बॉक्सेस कहा। फिर इन कंपार्टमेंट्स और स्मॉल बॉक्सेस को उन्होंने सेल का नाम दिया। इस टाइप से सेल की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं सेल की डेफिनेशन क्या होगी। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल कार्यात्मक इकाई है। सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेल्फ रिप्रोडक्शन। सेल में ये कैपेबिलिटी होती है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, खुद ही क्या करेगी, सेल सेल्फ रिप्रोडक्शन को शो करती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म है सेल से मिलकर बने हैं। तभी तो कहा गया है सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दे मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर और मैनी सेल्स, मल्टी सेलुलर। हमें पता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जा रहा है। क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जा रहा है? क्योंकि जो सेल्स हैं बहुत सारी सेल मिलकर के इसका टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है और टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सेल क्या है? एक ब्लॉक की तरह काम कर रही है। जिस तरह से ईंट होती है वो पूरी दीवार को बनाने में क्या हेल्प करती है, उस ईंट से ही तो बनती है। तो वो क्या है? एक ब्लॉक है। तो इसी तरह क्या कहा जा रहा है? सेल को भी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। होप यू गाइस इतना समझ में आया होगा। एक बार से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेल क्या है? हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल में क्या कैपेबिलिटी है? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है और सेल्फ रिप्रोडक्शन को शो करती है। सेल डिवाइड होकर के और सेल्स बनाएगी, वे जो और सेल्स होंगे वो डिवाइड होकर के बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक है ना। अब हम सेल के टाइप्स देख लेते हैं। सेल कितने टाइप्स की होती है? सेल मेनली टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पर प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, ठीक है ना, प्रिमिटिव है प्रो का मतलब, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो दे आर करैक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड मोस्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें क्या पर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, और जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स हैं वो सभी के सभी इसमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, इसमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। दे पोजेस 70S राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। दे हैव बीन कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स एंड इन दैम न्यूक्लियर मटेरियल इज फाउंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इन्हें क्या माना जा रहा है, प्रिमिटिव टाइप का सेल्स माना जा रहा है, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो फ्रीली फाउंड होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहता है। द न्यूक्लियर मटेरियल्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है साइटोप्लाज्म में है, तो वो किसके कॉन्टैक्ट में रहता है, डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में रहता है। और न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, यहाँ पर डीएनए हो गया, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है ना, वह प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर दी एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और पीपीएलओ हैं, ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, बस इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो ये एग्जांपल हैं सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, सबसे सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, और जो यहाँ पर डीएनए है वो प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, और इसमें यहाँ पे राइबोसोम है, 70S टाइप का यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। ये क्या है, फ्लैजिलम है, ठीक है ना, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ये क्या है, प्लाज्मिक डीएनए, जो ये साइटोप्लाज्म में जो हमारा न्यूक्लियोटाइड डीएनए है, इसके अलावा एक और क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर सबसे बाहर की साइड है कैप्स्यूल, और ये क्या है हमारा पिल्ली, ये क्या करेंगे, जो हमारा बैक्टीरिया है उसे किसी सरफेस पर अटैच होने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, या कह लो बैक्टीरियल सेल का। नेक्स्ट टाइप की सेल्स है हमारी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब हमने अभी देखा न्यूक्लियस। इस टाइप की सेल में जो न्यूक्लियस होएगा वो ट्रू टाइप का होएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा था, बहुत ही वेल डेवलप्ड नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस ऑल द करेक्टर्स विच प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। यूकैरियोटिक सेल में वो सभी के सभी करेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जितने भी एब्सेंट थे उसमें स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक सेल कहती है वेल डेवलप्ड सेल है प्रोकैरियोटिक की कंपैरिजन में। दे आर करैक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है, and presence of well organized cytoplasmic organelles like mitochondria, blastids, ribosome, endoplasmic reticulum, lysosomes, Golgi body, etc. और जितने भी organelles हैं जो cytoplasm में पाए जाते हैं, जिन्हें हम cytoplasmic organelles भी कहते हैं, वो क्या है, mitochondria, blastids, ribosome, endoplasmic reticulum, ये सभी present रहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये के सभी कैसे थे, एब्सेंट थे। दे पोजेस 80S टाइप ऑफ राइबोसोम।
यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम था? 70S टाइप का राइबोसोम था। न्यूक्लियर मटेरियल लाइक DNA, RNA एंड प्रोटीन्स आर इन कॉन्टैक्ट विद कैरियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मटेरियल है, DNA, RNA और जो प्रोटीन है, वो किसके कॉन्टैक्ट में रहता है? कैरियोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में रहता है। यहाँ पे कैरियो का मतलब क्या है? कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मा। न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा प्रेजेंट रहेगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल था, वो किसके कॉन्टैक्ट में था? प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल था, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में था, ठीक है ना। बट यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म को क्या करती है? सेपरेट करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जाम्पल हैं, वो सभी के सभी जितने भी हायर प्लांट्स हैं और एनिमल सेल्स जो हैं, वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। इनमें जो प्लांट्स होंगे और एनिमल्स होंगे, उनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट रहेंगे। ये हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। सबसे बाहर की साइड क्या प्रेजेंट है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या रहता है? कवर रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो स्मूथ और रफ टाइप दोनों टाइप के प्रेजेंट रहता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। ये गोल्जी बॉडी है और ये पेरियोसोम। ये 80S टाइप का राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। ये लाइसोसोम्स है। तो ये क्या है? हमारा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना गाइस। होप यू आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।